तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मजेदार ढाबा स्टाइल पनीर पेपर मसाला। क्रिस्पी एंड टेस्टी पनीर के साथ ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस के कॉम्बिनेशन से बहुत ही मजेदार बनता है एकदम ढाबा स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर की कोटिंग तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर यानी कि आरारोट। इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी। इन तीनों को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। पानी बहुत ज्यादा ना ऐड करें क्योंकि हमें इसका एकदम गाढ़ा यानी कि थिक बैटर तैयार करना है। तो ये देखिए अच्छे से मिलाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम गाढ़ा है। तो बस ये हमारा बैटर तैयार है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है। इन सारे पनीर को हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे हाथों से इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए कोट कर लेंगे। तो ये देखिए सारे पनीर अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। मैंने यहाँ पर तेज आंच पे तेल गरम होने रखा था। इसमें हम एक एक करके पनीर को इस तरह से डाल देंगे। ध्यान रखें पनीर डालने से पहले तेल एकदम बढ़िया अच्छा गरम होना चाहिए, फिर ही आप इसमें पनीर को डालें। और इसे तेल में डालने के बाद तुरंत चलाना नहीं है, पहले इसे अच्छे से तेल में सेट होने देंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब हम इसे पलट पलट कर फ्राई करेंगे चारों तरफ से एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए हमारे पनीर एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें हम फटाफट से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे पनीर को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक। अब इन्हें 10 से 15 सेकंड के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और प्याज को पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे हल्का गुलाबी होने तक। प्याज हल्का गुलाबी हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। शिमला मिर्च को पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। तो बस शिमला मिर्च को हल्का सा पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे और इन मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो बस अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच पानी। पानी बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है, तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक आधा छोटा चम्मच और अच्छे से इसे मिलाते हुए 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और फाइनली इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पनीर के पकौड़ों को फ्राई किया था उसे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से सॉस से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम अच्छे से सारे पनीर सॉस से कोट हो चुके हैं। तो बस गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एकदम झटपट से ढाबा स्टाइल पनीर पेपर मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इंजॉय करें, बहुत ही मजेदार बनता है। तो आज की ये सुपर टेस्टी रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।